अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हमीरपुर जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। आयोजित प्रदर्शन में हमीरपुर सुजानपुर भोरच इकाई के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम व पुनर्मूल्यांकन के परिणाम समय पर घोषित करने व छात्र संघ चुनाव तुरंत बहाल किए जाने सहित अन्य कई मांगों को भी प्रदर्शन के दौरान जाहिर किया। आज प्रदेश सरकार की किस तरह से छात्र विरोधी नीतियां हैं, आज किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोगों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम पर आज तक स्थायी बजट का प्रावधान इस सरकार ने क्यों नहीं किया? क्यों आज शिक्षा मंत्री अभी तक भी ढकोसलेबाजी करने में अपना पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने में कितना योगदान है ये आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह तकनीकी शिक्षा मंत्री के ऊपर खड़ा होता है। क्यों आज तक इस विश्वविद्यालय में शिक्षकों और गैर शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियाँ नहीं होती हैं? क्यों इस विश्वविद्यालय में आज स्थायी बजट का प्रावधान क्यों नहीं होता है? क्यों आज इस तकनीकी विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस के कोर्स पर इनाम चलाए जा रहे हैं? किस तरह से किस प्रकार सा एक गोरख धंधा छात्रों को लूटने का इस शिक्षण संस्थान में बना हुआ है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज पूरे प्रदेश में है। इसके साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा है जिसमें स्थायी निर्माण को लेकर विद्यार्थी परिषद आज आंदोलन कर रही है। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता क्लस्टर विश्वविद्यालय को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आज ये प्रदेश के हर महाविद्यालय से उठकर सड़कों पर है, क्योंकि उन किस प्रदेश सरकार द्वारा छात्र विरोधी नीतियाँ किस प्रकार से बढ़ रही है और किस प्रकार से मुद्दे का काम किया जा रहा है, किस प्रकार से आईसीडीओ की फीस बढ़ती जा रही है, इस पर रोक लगाने के लिए ये सरकार नाकामयाब रही है और ये प्रदेश का विश्वविद्यालय प्रशासन नाकामयाब रहा है। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद की मांग है कि जल्द से जल्द इन सभी मांगों को माना जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद अपना उग्र रूप लेगी और इससे भी बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जो है खड़ा करने का काम करेगी।